तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो जी 34 5G और पोको M6 Pro 5G को और देखने वाले हैं कि इन दोनों फोनों में से बेटर फोन कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दोनों के बॉक्स के अंदर किस चीज़ मिल जाती है। दोनों के साथ हमें स्मार्टफोन दिखाई मिलता ही है और सिम टूल भी मिलता है और साथ में दोनों के साथ हमें USB थ्रू टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है। अडैप्टर भी हमें दोनों के साथ मिलता है जिसमें मोटो जी 34 5G के साथ आपको एक 20 वाट का अडैप्टर मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G के साथ आपको एक 22.5 वाट का अडैप्टर मिलता है। और कवर की बात करें तो आपको मोटो जी 34 5G के साथ कोई भी कवर नहीं मिलता, पर पोको M6 Pro 5G के साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है। सो अब बात करते हैं इनके वेरिएंट्स और उनके प्राइसिंग की। तो आपको मोटो जी 34 5G के टोटल दो वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज आता है जो लगभग आपको 11,000 का पड़ता है। वहीं जिसको दूसरा वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज आता है जो लगभग आपको 12,000 का पड़ता है। वहीं अगर बात करें पोको M6 Pro 5G की तो इसमें आपको यहाँ पे तीन वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज आता है जो लगभग आपको 10,000 का पड़ता है। वहीं जिसको दूसरा वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज आता है जो लगभग आपको 12,000 का पड़ता है। और जिसका तीसरा वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज आता है जो लगभग आपको 12,500 का पड़ता है। सो अब बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की। तो आपको मोटो जी 34 5G के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो ज्यादा बेटर प्रोसेसर आपको मोटो जी 34 5G के अंदर मिलता है। और स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोनों के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोटो जी 34 5G के अंदर आपको मोटोरोला का MIUX मिलता है जो एंड्रॉइड वर्जन 14 पे बेस्ड है। वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको MIUI 14 मिलता है जो एंड्रॉइड वर्जन 13 पे बेस्ड है। और बात करें स्पीकर्स की तो मोटो जी 34 5G के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको सिर्फ मोनो स्पीकर्स ही मिलते हैं। सो अब बात करते हैं इनकी डिस्प्लेस की। दोनों ही फोनों के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें मोटो जी 34 5G के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको 6.79 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो मोटो जी 34 5G के अंदर आपको सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिलती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। और बाकी दोनों ही फोनों के अंदर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो मोटो जी 34 5G के अंदर आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी दोनों ही फोनों के अंदर आपको बेजललेस पंच होल डिस्प्ले मिलती है। और ब्राइटनेस की बात करें तो मोटो जी 34 5G के अंदर आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और मोटो जी 34 5G के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। सो अब बात करते हैं इनकी डिजाइन की। तो आपको मोटो जी 34 5G के बैक साइड पे वीगन लेदर मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G में आपको ग्लास बैक मिलती है। और बाकी फ्रेम की बात करें तो दोनों ही फोनों के अंदर आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है। और वेट की बात करें तो आपको मोटो जी 34 5G के अंदर 180 ग्राम का वेट मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको 199 ग्राम का वेट मिलता है। और अगर दोनों ही फोन के नीचे वाले साइड देखें तो दोनों ही फोन में आपको माइक टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर मिल जाता है, वहीं मोटो जी 34 5G के अंदर आपको एक 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। और दोनों ही फोनों के ऊपर साइड देखें तो आपको मोटो जी 34 5G के अंदर सेकेंडरी माइक और डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको IR ब्लास्टर और एक 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। और दोनों फोनों के राइट साइड पर देखें तो दोनों फोनों में आपको वॉल्यूम ब्रोकर्स और एक पावर बटन मिल जाता है। और इनके लेफ्ट साइड पर देखें तो दोनों फोनों में आपको यहाँ पे सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है। और सिम ट्रे की बात करें तो दोनों फोनों के अंदर आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, जिसके अंदर आप डुअल सिम या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ यूज कर सकते हैं, आप तीनों चीजों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो इनके पावर बटन के ऊपर ही है। और आईपी रेटिंग की बात करें तो आपको मोटो जी 34 5G के अंदर IP52 की रेटिंग मिलती है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको IP53 की रेटिंग मिलती है। सो अब बात करते हैं कैमरास की। दोनों फोन के बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें इनके प्राइमरी कैमरा की बात करें दोनों फोन में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो आपको मोटो जी 34 5G के अंदर 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलता है। और दोनों फोनों के बैक साइड पे आपको एक सिंगल फ्लैश भी मिल जाती है। और अगर इनके बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोनों से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इनके फ्रंट कैमरा की। दोनों ही फोनों में आपको सिंगल फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें मोटो जी 34 5G के अंदर आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और अगर इनके फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही फोनों से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कैमरा ऐप के फीचर्स की। तो दोनों ही फोनों में आपको टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट और नाइट मोड का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, वहीं मोटो जी 34 5G के अंदर आपको पैनोरामा,
स्लोमो स्पोर्ट कलर जिसकी मदद से आप जिस भी कलर को सिलेक्ट करोगे उसके अलावा सारे कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, और डुअल कैप्चर जिसकी मदद से आप फ्रंट और बैक कैमरा की वीडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। और वहीं पोको M6 Pro 5G के अंदर आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता जो Moto E34 5G के अंदर नहीं है। सब बात करते हैं इनकी बैटरी की। दोनों फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो Moto E34 5G यहाँ पे मैक्सिमम 20 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहीं Poco M6 Pro 5G यहाँ पे मैक्सिमम 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सो अब बात करते हैं कि नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। तो आपको Moto E34 5G के अंदर 13 5G बैंड्स मिलते हैं, वहीं Poco M6 Pro 5G के अंदर 7 5G बैंड्स मिलते हैं। और दोनों फोन यहाँ पे डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट करते हैं। और वाईफाई की बात करें दोनों फोन के अंदर आपको 5GHz का वाईफाई मिल जाता है। और ब्लूटूथ की बात करें तो आपको Moto E34 5G के अंदर वर्जन 5.1 का ब्लूटूथ मिलता है, वहीं Poco M6 Pro 5G के अंदर आपको वर्जन 5.3 का ब्लूटूथ मिल जाता है। तो ये मैंने दोनों फोनों को काफी अच्छे से यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। सो बात है फाइनल रिजल्ट पे कि इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो यार स्पेसिफिकेशन वाइज तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इनमें से किसी एक फोन को चूज करना सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे Moto E34 5G ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस फोन में आपको बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, 120Hz की डिस्प्ले मिल रही है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, बेटर फ्रंट कैमरा और 13 5G बैंड्स मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप Moto E34 5G और Poco M6 Pro 5G में से कोई एक फोन चूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे Moto E34 5G ही चूज करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, Poco M6 Pro 5G भी यहाँ पे काफी बढ़िया फोन है। तो इनमें से आपने कौन सा फोन चूज किया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।